मछली खाने वाले लोग ये दो चीजें मिलाकर कभी साथ ना लेना, वरना सफेद दाग होने की बहुत ही आशंका होती है। मछली खाना पसंद करने वाले लोग बहुत ही चाव से मछलियाँ खाते हैं, लेकिन 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 टेबल पे भरी दूसरी वैरायटी को देख के उसका मन ठहरता नहीं है। फिर क्या, वो मछली के साथ कुछ और व्यंजन भी ट्राई कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि मछली के साथ ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे खाने से सफेद दाग होती है या फिर किसी दूसरे दर्द से परेशान होना पड़ सकता है। तो इसीलिए आपके लिए इस वीडियो पे लेकर आए हैं कुछ ऐसी जानकारी, वो आपको बताएगी मछली के साथ या मछली खाने के बाद कभी नहीं खाना चाहिए। वहीं और एक आपकी मन की और दुविधा को भी दूर करेंगे, आखिर क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग बरसात में मछली खाने से मना करते हैं, और क्या मांसाहार की तरह मछली भी हलाल की जाती है, या मुस्लिमों में क्या मछली को हलाल माना जाता है, वो हर चीजों को हलाल करके ही खाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्या आप जानते हैं इंडिया फिश प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में दुनिया के चौथे नंबर पे आता है, है ना हैरानी वाली बात। भारत में कुल मछली खाने वाले की तादाद इतनी ज्यादा है, यहाँ मछली का तादाद इतना बड़ा है कि हम तो खुद खाते हैं और औरों को भी खिलाते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट करते हैं। और दुनिया में फिश प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में भारत का नाम चौथे नंबर पे आता है, और भारत मछली उत्पाद करने वाला दुनिया में दूसरा देश है। मछली हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, ये तो हम सब जानते हैं। इसमें प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी जैसे तत्व होते हैं। कहा जाता है कि मछली खाने से बहुत सारी बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है, लेकिन शायद आपको मालूम ना हो कि मछली जहाँ इतने फायदेमंद होती है वहीं आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकती है, लेकिन गलत कॉम्बिनेशन से कुछ भी हो सकता है। और ऐसा ही कुछ होता है मछली के साथ और भी दूसरा फूड खाने की वजह से। वो चीज ऐसी है जो मछली के पहले या बाद में खाने से बहुत ही परेशानी हो सकती है। हाँ, सबसे पहला है दूध। दूध को तो भूल कर भी मछली के आसपास नहीं खाना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि दूध पीकर मछली खा ले तो वो बहुत गलत होगा, और मछली खाने के बाद आप थोड़ी देर के बाद दूध पीने का सोच रहे हो तो वो भी गलत होगा। इनफैक्ट खाली दूध ही नहीं, दूध की बनी सभी चीजों को मछली के साथ कभी नहीं खाना चाहिए। चलिए वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले बात आती है दूध की। ये दोनों को साथ या बाद में खाने से स्किन रिलेटेड के चांसेस बहुत बढ़ जाती है। उन्हीं में से एक है लिकोडर्मा बीमारी। ये वह बीमारी है जिसके वजह से शरीर पर सादा दाग आ जाता है। आपने भी कईयों के शरीर में ये दाग जरूर देखे होंगे। कहते हैं ये दाग दूध और मछली को साथ में खाने से और इसी टाइप के आइटम से खाने से होता है। हालांकि आपके लिए भी जानना ये जरूरी है, ऐसा नहीं होता है कि आप एक दिन अगर गलती से खा लेते हो तो आपको वो बीमारी हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बार बार खाने से होता है, अगर आप रेगुलर करते हो तो आपको ये बीमारी हो जाएगा। हालांकि आयुर्वेद का एक्सपर्ट का भी मानना है कि मछली नॉनवेज है और दूध वेज, और दूध की तासीर ठंडी होती है और मछली की तासीर गर्म। ऐसे में दो अलग अलग तासीर वाले चीजों को एक साथ खाने से ब्लड में केमिकल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण स्किन पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसे लुरकोडर्म कहा जाता है। वहीं कई न्यूट्रिशन ये मानते हैं कि मछली प्रोटीन से भरी होती है, प्रोटीन फूड्स और डेली प्रोडक्ट एक साथ कभी नहीं खाने चाहिए, वरना सफेद दाग का तो पता नहीं लेकिन पाचन से होने वाली दिक्कत और एलर्जी हो सकती है। मछली और दूध की तरह ही मछली और दही को भी खाना गलत बताया गया है, लेकिन हाँ कई लोग ऐसे हैं जो मछलियों की बनाने वाली रेसिपी होती है उसमें दही का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहते हैं ये भी गलत है क्योंकि मछली की तासीर गर्म होती है और दही की ठंडी, इसीलिए दोनों को एक साथ खाने से एसिडिटी, स्किन प्रॉब्लम और एलर्जी हो सकती है। अगर आप भी मछली की गरीबी के लिए दूध और दही का इस्तेमाल करने के लिए सोच रहे हैं तो अभी से भूल जाइए। लेकिन वही पार्टी में या घर पे मछली खाने के बाद आइसक्रीम और दही बहुत ही अच्छे से खा लेते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आज ही छोड़ दीजिए ये आदतें, क्योंकि आइसक्रीम भी दूध से बनी होती है और ज्यादातर मिठाइयों में भी दूध का उपयोग होता ही है। अगर आपको बीमारियों से बचना है तो समझ जाइए। वहीं कई लोगों की आदतें होती है कि खाना खाने के बाद चाय और कॉफी का लुत्फ भी उठाते हैं। आपको मैं बता दूं कि मछली खाने के बाद आप ऐसा भूल कर भी ना करें। ये तो बात हुई मछली के साथ या मछली के बाद ये सब चीजों को
नहीं खाना चाहिए। तो आखिर कितने देर बाद आप इन चीजों को कंज्यूम कर सकते हैं, यानी मछली खाने के बाद या फिर उससे पहले? मछली खाने के बाद कम से कम आप 6 घंटे के बाद ही इन चीजों का कंज्यूम कर सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपसे कहा था कि आपकी इस दुविधा को भी दूर कर देंगे हम आज कि क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग बरसात में मछली खाने से मना करते हैं, सलाह देते हैं कि मत खाओ मछली। और मुझे उम्मीद है कि जवाब जानने के बाद और आप भी कहोगे कि ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बारिश का मौसम मछलियों के साथ और कई और एनिमल के लिए ब्रीडिंग टाइम होता है। इस टाइम मछलियों के पेट पे लाखों अंडे होते हैं। जाहिर सी बात है, आखिर कुछ समय बाद ये अंडे मछलियों में बदल जाएंगे। अगर ऐसे सीजन में मछलियों को हट किया जाए, उनकी फिशिंग किया जाए, उन्हें निकाल कर खा लिया जाए, उनकी आने वाली पीढ़ियां तो धीरे धीरे खत्म ही हो गई ना, और मछलियां नहीं बन पाएगी, तादाद कम हो जाएगी मछलियां की। और ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में अगर इस तरह की फिशिंग चलती रही, मछलियों की कई प्रजातियां गायब भी हो जाएंगी। और वहीं बारिश के कारण मछलियों में कई तरह की बीमारियां भी पनप रही होती है, जिसे खाने से फूड पॉइजन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और जाहिर सी बात है, मछली खाने से हमारे पेट में उसकी गंदगियां भी चली जाएगी जब ये होगा तब। होता क्या है कि बारिश में गाँव और शहरों से निकलने वाला पोल्यूटेड वेस्ट या गंदा पानी सीधे जाकर नदियों में मिल जाता है और नदियों से सीधा समुद्र में, और इसी वजह से मछलियां भी बीमार पड़ती है। ये बात शायद ही आपको मालूम हो कि बारिश के मौसम में समुद्र में मछलियों को पकड़ने के लिए बंदी लगा दी जाती है। ऐसे में लोग पहले से पकड़े मछलियों को ज्यादा टाइम तक स्टोर करने के लिए कई तरह के प्रिजर्वेटिव लगाते हैं और केमिकल का यूज करते हैं। ऐसे में केमिकल वाले मछलियों को खाने से आप बीमार पड़ सकते हैं, और यही रीजन है आपको बरसात के मौसम में मछली खाने से थोड़ा परहेज करना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या मछली को हलाल किया जाता है? तो इसका आंसर है नहीं। इस्लाम की तरह दूसरे जानवर की जैसा मछलियों को हलाल नहीं किया जाता। अब इस हलाल की लॉजिक को समझे तो इस्लाम के अनुसार हलाल खाना बेहतर होता है, जबकि हराम भोजन से मना किया जाता है। हराम यानी कि झटके से मारे गए जानवरों का मांस खाना इस्लाम में मना है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि मछलियों को हलाल नहीं किया जाता, तो आप थोड़ा गौर से सुनिए, क्योंकि साइंटिस्टों ने भी इसे प्रूफ कर दिया है। जैसे मछली पानी से बाहर आती है, उसके शरीर के जितने ब्लड सेल तुरंत ही अपना रास्ता बदल लेते हैं, तो इस्लाम में इसे खाने की अनुमति है क्यों? और ये मछली के मुंह में इकट्ठा होकर एपिग्लोटिक्स में जमा होना शुरू कर देते हैं। मछली के पानी से निकलते ही उसके कुछ देर बाद उसके शरीर में मौजूद जितना भी खून होता है वो ऑलमोस्ट एप्लोगोटिस में जाकर जमा हो जाता है, और मछली के सफाई करते वक्त इसे निकाल दिया जाता है और बस इसका मांस शुद्ध हो जाता है। इसीलिए मछली को हलाल करने की जरूरत नहीं पड़ती, और मेडिकल भी ये बात सही है। और दूसरे जानवरों के साथ ऐसा नहीं होता, जब उसे झटके से मारा जाता है तो उसका दिल तुरंत धड़कना बंद हो जाता है और ऐसे में शरीर से खून नहीं निकल पाता। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब जानवरों के शरीर से खून नहीं निकल पाता, जब इंसान उसे खाते हैं तो बीमारियों से जूझना पड़ सकता है। इसीलिए इस्लाम में हलाल किए हुए जानवरों को ही खाने का कहा गया है। तो देखिए ना दोस्तों, मछली खाने का सही तरीका क्या है और सही समय क्या है। अगर आप भी इन मछलियों के साथ अगर गलत कॉम्बिनेशन की चीजों में खाते हैं तो आप भी बीमारी की ओर बढ़ते जाओगे। और आप इस वीडियो को भी शेयर करें, क्योंकि दूसरे भी सफेद दाग और बीमारियों से बच सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।